नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? यूपी SSSC के द्वारा VPO ग्राम पंचायत अधिकारी की शॉर्टलिस्टिंग भी आ गई है और बच्चे लगातार जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उसकी तैयारी में जुट भी गए हैं। लेकिन जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो इससे बहुत बेहतरीन और बहुत ज़्यादा जरूरी ये होता है कि आपको तैयारी किस प्रकार करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हाल में यूपी SSSC का ट्रेंड किस प्रकार है, कैसे वो प्रश्न बना रहा है, उसका स्तर क्या है, वो जो रिसोर्स उठा रहा है वो क्या है, ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे जब आप ये समझ पाओगे कौन सी संस्था इसको करा रही है और यूपी SSSC के ट्रेंड एनालिसिस को फॉलो करके या रिसेंट के एग्जाम जो उनके पेपर हुए हैं उनको देख के बहुत अच्छे समझ पाओगे कि आखिर हमें तैयारी अपने किस दिशा में करनी है। तो यूपी SSSC VPO का जो अब ग्राम पंचायत अधिकारी के नाम से जाना जाता है, 1468 पद के लिए यह विज्ञापन आया हुआ था। इससे पहले वीडियो एग्जाम का हुआ था, वीडियो VPO लगभग सेम चीजें हैं। और आपको इसमें अब यूपी SSSC क्या कर रहा है, यूपी SSSC में सबसे खास बात यह है कि आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हो तो उसके लिए वो पर्टिकुलर सिलेबस डिफाइन करता है। मतलब कि जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, जिस प्रकार का आपका आगे चल के कार्य करना है उसी प्रकार आपका सिलेबस है। या आपने वन रक्षक की परीक्षा में भी देखा होगा, आपने मुख्य सेविका की परीक्षा में देखा होगा, आपने ANM की परीक्षा में देखा होगा, आप लेखपाल के ग्राम समाज वाले भाग में देखे होंगे। तो लगातार बहुत सारे अगर पेपर ऐसे देखे जाए तो जिस प्रकार से आपकी जॉब प्रोफाइल है उस प्रकार से आपका क्या हो रहा है, पेपर बन रहा है। तो इस सेशन में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, क्या रिसोर्सेस होने चाहिए, कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो क्वेश्चन कहां से उठा रहा है जो भी कंपनी करा रही है, या आयोग की बात कर ले क्वेश्चन कहां से बना रहे हैं, साथ में ही इनको प्राप्त करने के लिए उनके पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होना चाहिए, किताबें क्या होनी चाहिए, टेस्ट क्या होने चाहिए, PDF क्या होनी चाहिए, इसके साथ साथ क्या आपको गलतियां नहीं करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ में ही एक बहुत बेहतरीन रणनीति और क्या सेफ स्कोर हो सकता है, ये हम लोग कुछ गवर्नमेंट सोर्स के बारे में चर्चा करेंगे जहां से वो कंटिन्यू प्रश्न बना रहे हैं। सिलेबस में अगर देखा जाए तो नए सिलेबस में क्या पढ़ना होगा इस पर चर्चा करने वाले हैं। यूपी SSSC जो है वो PCS लेवल का पेपर बनाता है, GS में, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कंप्यूटर और यूपी सिलेक्शन में किस प्रकार से अपना रोल प्ले कर रहा है इसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और पंचायती राज एवं योजनाएं कहाँ से पढ़े इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आप VPO की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और वीडियो लास्ट तक देख के पसंद आए तो उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इतना निश्चित है कि अगर आप लास्ट तक देखोगे तो बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है, बहुत बेहतरीन सेशन आपको मिलने वाला है और बहुत सारे आपके डाउट्स और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नहीं पता चलने वाली हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पूरे सेशन को, है क्या। अगर सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको तो यूपी SSSC ने जो अभी शॉर्टलिस्टिंग जारी किया था, शॉर्टलिस्टिंग में आप लोगों ने इतना तो पता होगा कि 1468 पद के सापेक्ष जो टोटल बच्चे हैं वो 66,691 बच्चे इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। इसका मतलब कि 1400 पे अगर 66,000 बच्चे हैं तो लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 45 गुना यहाँ पे आपका फाइट है मेंस परीक्षा मुख्य परीक्षा में, और इसी हिसाब से हमें अपना सेफ स्कोर और कट ऑफ भी डिसाइड करना होगा। हालांकि इसमें एक एक चीज हम लोग चर्चा करेंगे, ये तो वो किताबें हैं जो हम लोग आपके लिए एकदम नई तरीके से बना रहे हैं, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा किस प्रकार से आपको ये किताबें लेना है, कैसे आपको इन किताबों से फायदा मिल सकता है, सारी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर आपने सिलेबस देख लिया होगा तो ये है आपका सिलेबस, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो अब कौन सा संभाग आपके लिए ज्यादा जरूरी है, कहां से आप ज्यादा नंबर उठा सकते हो और किसे करना अनिवार्य है, सारी चर्चा हम लोग यहां पे करने वाले हैं। कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और ये 100 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, 120 मिनट का आपका टोटल पेपर होगा 2 घंटे का। लेकिन एक बात समझिएगा कि इसमें मैथ और रीजनिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 घंटा आपके लिए बहुत ज्यादा है, नहीं। यूपी SSSC को जैसे हमेशा बोला गया है कि यूपी SSSC का अधीनस्थ आयोग है, किसका, यूपी SSSC का बोल सकते हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। अब वो अपना काम भी बहुत अच्छे से कर रहा है और अगर पेपर को देखा जाए तो वो PCS लेवल के पेपर को सेट करने में कोई भी गुंजाइश छोड़ नहीं रहा है। मतलब अगर आप इनके पेपर का पैटर्न को फॉलो करोगे तो इतना बढ़िया पेपर सेट करते हैं, अगर आप देखोगे तो 10-20% क्वेश्चन को अच्छा खासा टफ बनाते हैं, करीबन 35-40% क्वेश्चन को मॉडरेट लेवल का बनाते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को डालते हैं, कंफ्यूजिंग विकल्पों को सेट करते हैं, और अगर आप देखोगे 40-45% क्वेश्चन ईजी भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत टफ ही बनाते हैं, तो एक बहुत बैलेंस पेपर बनाते हैं। लेकिन जब आप इसको हल करोगे तो आपको ये मान के चलना है कि अब आपकी जो तैयारी करनी है वो इस लेवल पर करनी है कि आप एक अपर
लेवल की परीक्षा देने जा रहे हो, और भले ही ये बीपीओ है, ट्वेल्थ लेवल पे जॉब है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी को भी पता है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी पता है, और आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि बीपीओ के जॉब प्रोफाइल कितनी बेहतरीन है। और अगर इसे ग्राम पंचायत अधिकारी बोला गया है तो नो डाउट ये किसी अधिकारी से कम नहीं है, ये बहुत ही बेहतरीन, और सीधे शब्दों में बोलूं तो आपके जो ग्राम के सचिव होते हैं उनका पद है ये, बहुत बेहतरीन आपका पद है। हम लोग इसके चर्चा करते हैं सिलेबस की, तो तीन भागों में दिया हुआ है, भाग एक, भाग दो, भाग तीन। अब सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि भाग, इन तीनों जो भाग आपको दिया गया है, इसमें सबसे ज्यादा अंक आपके कहां से उठ सकते हैं, और अगर मैं बात करूं तो आपका कहां से सिलेक्शन हो सकता है। आप इसको देखो तो अगर केवल भाग दो और भाग तीन को देखा जाए तो कंप्यूटर 15 क्वेश्चन और यूपी 20 क्वेश्चन, अगर इन दोनों को देखें तो 15 और 20 मिलके कितना हो रहा है, 35 क्वेश्चन ये बना रहे हैं। और साथ में ही अगर हम ग्राम पंचायत अधिकारियों की भूमिका, अगर इनके भूमिका की बात करें, जॉब प्रोफाइल की बात करें, उनके कार्य क्या होते हैं, उनके कर्तव्य क्या होते हैं, उनके दायित्व क्या होते हैं, वो किस प्रकार से प्रधान का सहायक होता है, किस प्रकार से वो सारे जो ग्राम लेवल पे कार्य होते हैं, कार्यान्वयन होता है, उनको करने में एक उसका रोल क्या है, वो अपनी बोल सकते हो कि रिपोर्ट कैसे सबमिट करता है, उसका जो लेखपाल है उनके साथ कैसे जो कार्य होते हैं, वो सारी चीजें, ये भूमिका इसमें 10 नंबर है, और इसे भी जोड़ लिया जाए तो ये पार्ट आपके टोटल कितने बना रहे, 45 बना रहे। और मैं इसलिए इस पार्ट को अलग कर रहा हूं कि दो भाग ये, और पहले भाग का ये टॉपिक, इस टॉपिक से आपके कितने बन रहे हैं, 45 क्वेश्चन बन रहे हैं, जो आपके स्कोरिंग पार्ट है। क्या है? स्कोरिंग पार्ट है। कंप्यूटर भी आपका स्कोरिंग है, लेकिन उसे पढ़ने के लिए बहुत अच्छी रणनीति चाहिए और पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग चाहिए। अब वो जमाना नहीं है कि आप लूसेंट उठा के कंप्यूटर के कुछ फैक्ट पढ़ लोगे और कंप्यूटर आप देख के चले जाओगे कंप्यूटर के प्रश्न सही हो जाएंगे, नहीं। ये आपको पता होना चाहिए कि यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर का रोल अगर देखा जाए तो सारे यूपी ट्रिपल एससी की बात क्या किया जाए, सारे ही, अगर हम चाहे बाबू लेवल की बात करें या फिर हम बीपीओ लेवल की बात करें, वीडियो लेवल की बात करें, लेखपाल लेवल की बात करें, तो कंप्यूटर अपने आप में एक अलग रोल प्ले करता है, और इसी हिसाब से कंप्यूटर के प्रश्न का स्तर भी बढ़िया पूछा जा रहा है, और लगभग सारे ही एग्जाम में कंप्यूटर के प्रश्न आपसे अवश्य पूछे जा रहे हैं। तो अब इसे पढ़ने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए। वो जमाना चला गया कि लूसेंट से आप पढ़ के फैक्ट पढ़ के कर ले जाओगे, अगर इसके ट्रेंड एनालिसिस को फॉलो करोगे, हाल में हुए पेपर को सॉल्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने डिटेल में जाके, कितने डीप में जाके आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसके पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए, मैं आगे चर्चा करता हूं किस प्रकार से पढ़ना है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, उत्तर प्रदेश आज भी वो पार्ट है जहां पे देखा जाए तो 5-10% ट्रेंड एनालिसिस को फॉलो किया जाए, तो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन अभी भी 80% क्वेश्चन फैक्चुअल बेस पे पूछ रहा है, जिसमें अगर हम मेला की बात करें, या फिर हम फेमस प्लेसेस की बात करें, हम मंदिर की बात करें, हम कला की बात करें, या फिर हम उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करें, या फिर हम उसकी राज्य व्यवस्था की बात करें, या फिर हम उसकी अर्थव्यवस्था आर्थिक क्षेत्र से बात करें, लगभग हर जगह से, चाहे ट्रांसपोर्ट हो जाए या फिर कृषि हो जाए, सबसे वो क्या कर रहा है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन वो भी डीप फैक्ट पूछ रहा है। तो इसको भी यहां पे थोड़ा सा, बिल्कुल तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा ट्रेंड चेंज यहां पे भी करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई का। तो ये दोनों कहीं ना कहीं स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जहां पे कम पढ़ के आप ज्यादा अंक अर्जित कर सकते हो, लेकिन कम तब पढ़ना पड़ेगा जब आप एक रणनीतिक तरीके से पढ़ोगे। अगर आप जैसे पढ़ते आए हो रेगुलर तरीके से पढ़ोगे तो फिर पढ़ते ही रह जाओगे, और शायद इसमें कंफ्यूजन के चलते आपके अंक बहुत कम हो जाएं, जो हाल फिलहाल के पेपर में आप देखोगे। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि हाल फिलहाल में कट ऑफ जा रहे हैं, कैसे बच्चों के स्कोर जब पेपर देके आते हैं तब 95-90 रहते हैं, और जैसे ही कट आंसर की आते आते 65-70 पे आके गिरते हैं, ये भी मैं आपको बहुत बखूबी बताने वाला हूं। तीसरा है कि ग्राम पंचायत अधिकारियों की जो भूमिका है, ये पार्ट बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा, अगर आप मुश्किल से 4-5 पेज का है, अगर आप उसे केवल पढ़ लोगे, और थोड़ा सा अगर आपने पंचायत वेब सीरीज देखा होगा, या फिर जो भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको ये बात क्या कर सकते हो कि आप लोग थोड़ा सा अपना एप्टीट्यूड लगा के, दिमाग की अभिरुचि लगा के आप इसको सही कर सकते हो। तो ये स्कोरिंग पार्ट है। अब रही बात कि आपके जो ये ऊपर के पार्ट बच रहे हैं, इसमें आपको मेहनत बहुत है और स्कोर बहुत कम आएंगे, और बिल्कुल आपको पता नहीं होगा कि कहां से इसके प्रश्न बनेंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो पार्ट है वो एकदम लेखपाल का जो ग्राम समाज वाला पार्ट था वो है। मेरा कहना है नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लेखपाल के ग्रामीण समाज की बात करके या उसको मान के पढ़ाई करोगे तो आप अपने आप को पीछे कर दोगे। लेखपाल में भी बच्चों ने यही गलती किया था, वो पढ़ कुछ और रहे थे और
आयोग ने पूछा कुछ और अगर आपको याद है, अगर आपने लेखपाल की परीक्षा में बैठे होंगे, मुझे पता है कि आप में से जो 66,000 बच्चे हैं, इनमें से कम 40,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लेखपाल की परीक्षा दी है, और ये वही बच्चे हैं जो ग्रामीण समाज को बहुत अच्छे से देखे थे, बहुत अच्छे से पढ़े थे, फिर भी आयोग के प्रश्न पत्र के अनुसार उनका स्कोर जो हुआ था सबसे कम हुआ था, क्योंकि पढ़ने का तरीका ही बिल्कुल आपका अलग था और आपने एनालिसिस किया ही नहीं, रिसर्च किया ही नहीं कि कहां से प्रश्न पूछा जाता है और किस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो वही मैं बातें आपको इसके लिए जोर दे रहा हूं कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। अब इसके टॉपिक को देखें तो पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, यहां पे देखा जाए तो एक प्रकार से लग रहा है कि यह पॉलिटी का पार्ट है। ऐसे ही नहीं, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, जैसे ग्राम पंचायत होता है, क्षेत्र पंचायत होता है, ये अगर देखोगे तो इनके स्वरूप की बात किया जाए तो ये लगता है कि पॉलिटी का पार्ट है। पंचायतों के वित्तीय स्रोत, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने का उपाय और ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, अगर ये पांच पार्ट हम लोग देख लें तो ऐसा लगता है कि इसे अगर ग्रामीण समाज और किसकी बात किया जाए, अगर हम लोग पॉलिटी की बात करें, तो दोनों मिला के ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें पढ़ने को बहुत कुछ है। ये 10-10 क्वेश्चन आपका यहां पे दिया है एक एक टॉपिक से, तो ये मत सोचो कि आपका ये 3-4 पेज का कंटेंट है, नहीं। आप खुद ये सोचो कि जब भी कभी ऐसा होता है कि 10 क्वेश्चन इतिहास से पूछता था, 10 क्वेश्चन भूगोल से पूछता था, 10 क्वेश्चन आपका अर्थव्यवस्था करंट अफेयर से 15-20 पूछता था, तो उसमें कितना वास्ट कोर्स होता था। जब आपको हिस्ट्री में उस 10 क्वेश्चन के लिए पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा एंशियंट, पूरा आपको मेडिवल पढ़ना पड़ता था, भूगोल में भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, उसका आर्थिक, उसका भौगोलिक, सारी दृष्टि हमें जब देखना पड़ता था, अर्थव्यवस्था में हमें शुरू से लेकर अंत तक सारी चीजें देखनी पड़ती थी, करंट हमें एक साल का देखना पड़ता था, तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि आप केवल 4-5 पेज पढ़ के ये 10 अंक अर्जित कर लोगे, नहीं। मैंने देखा है बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे लोग, बहुत सारे YouTube चैनल भी बच्चों को केवल इतना कहने में लगे हुए हैं कि आप केवल ग्राम समाज वाला टॉपिक पढ़ लो और आप केवल पॉलिटी पढ़ लो, आपका ये कवर हो जाएगा। बिग नो है, बहुत बड़े घाटे में चले जाओगे, बहुत बड़े धोखे में चले जाओगे अगर आप उस ट्रेंड को फॉलो करोगे। तो अब मैं बताता हूं कि आपको इन टॉपिक में पढ़ना क्या है। देखो, एक बात तो समझना कि यहाँ पे आपको मेहनत ज्यादा है, अंक कम है, यहाँ पे मेहनत कम है, अंक ज्यादा है। और रही बात सेफ स्कोर की, तो सबसे पहले मैं ये भी चर्चा कर लेता हूं कि सबसे पहले जब आप तैयारी करते हो तो आपके सामने एक टारगेट होना चाहिए, आप टारगेट बना के क्या रखो। देखो, सबसे पहली बात तो ये 66,000 जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ये आम बच्चे नहीं है, सारे ही सारे क्या है, आप जो भी सिलेक्टेड हुए हो, इसमें शॉर्टलिस्टेड हुए हो, सब कोई किसी से कम नहीं हो, सब लगभग सेलिंग इन द सेम बोट हो, एक ही लेवल है, तो कॉम्पिटिशन एकदम गलाकाट प्रतियोगिता है, ये बात समझिएगा। और यहां पे हर बच्चा मेहनत करता है, हर बच्चा इस पद के लिए, एक पद अपने नाम पे लिखने के, अर्जित करने के लिए पूरी कोशिश करता है, तो ये मत सोचना कि कंपटीशन लेवल कम है, कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है, और इसी कारण से क्या होता है, कट ऑफ भी एग्जाम के हाई जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, इस बात को आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे भी बोलूंगा कि चांस यहां पे भी है कि कट ऑफ क्या जाए, हाई जाए, मैं आज ही बोल रहा हूं, हालांकि पेपर नहीं हुआ है और कुछ भी सामने नहीं है, फिर भी हाई कट ऑफ, मैं स्कोर नहीं बता रहा हूं, बट ये मान के चलना कि कट ऑफ आपका हाई जाएगा। लेकिन फिर भी कितना जाएगा, क्या 90-95-100 में जाएगा, तो नहीं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के ट्रेंड एनालिसिस को फॉलो किया जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम कभी सोचे नहीं होते हैं, और कई बार क्वेश्चन सिलेबस से हटके भी पूछ लेते हैं, जो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि आपसे संबंधित प्रश्न नहीं है, और आप ये भी नहीं कह सकते हो कि किसी आम रिसोर्स में बोल सकते हो कि कोई कितना भी कंटेंट आपको दे दिएगा, कितना भी आप पढ़ लोगे, फिर भी 4-5 क्वेश्चन ऐसा वो पूछता है जो आपसे छूटा ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत वास्ट है। इस कारण से यहाँ पे जो आपका स्कोर जाता है, आप किसी भी एग्जाम में देखोगे तो 70-75% आपका क्या जाता है, स्कोर जाता है फाइनल सिलेक्शन के लिए, और आपका टारगेट भी यही होना चाहिए। हालांकि टारगेट जब आप ज्यादा रखोगे तब आप इतना स्कोर कर पाओगे। अब रही बात ये 70-75% अगर हमें स्कोर करना है नेगेटिव हटाने के बाद, क्योंकि 1/4 नेगेटिव है, एक क्वेश्चन एक नंबर का है, 0.25 आपका नेगेटिव भी है, तो होता क्या है कि आपको 60-65 क्वेश्चन तो आसान लगते हैं, क्योंकि एक सब बात समझिएगा कि जब आप कोई भी पेपर देने जाते हो तो आपके साथ एक सबसे बड़ी कमी क्या होता है, अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है तो सबसे पहले आप देखते हो कि कोई भी हाल का परीक्षा देख लेते हो, उसमें कोई क्वेश्चन आपको बहुत टफ मिल जाता है। अब आप उस टफ क्वेश्चन को देखने के लिए, अरे यार ये इतना टफ पूछा था, आप सारी किताबें पढ़ डालते हो, आप सारे रिसोर्स खंगाल डालते हो, आप कुछ छोड़ते नहीं हो, आप सारे संस्थाओं के नोट्स पढ़ डालते हो, आप ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ऐसा भी कर ले, वैसा भी कर ले,
तमाम चीजें कर लेते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि वो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में मात्र 2 से 3 थे। और कभी भी आप किसी भी, यही नहीं यूपी ट्रिपल एस नहीं, किसी भी पेपर में आप जाके बैठते हो तो एक कॉमन ट्रेंड हमेशा फॉलो किया जाता है, एक बात समझिएगा, कभी भी सारे के सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, कभी भी सारे के सारे क्वेश्चन आसान नहीं होते। अगर देखा जाए तो लगभग 40 से 45% क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस के ट्रेंड को अगर देखा जाए तो इजी रहते हैं, करीबन अगर 30% के क्वेश्चन को देखा जाए तो ये मॉडरेट रहते हैं, और अगर हम लोग बाकी के पार्ट को बोल दें 25 से 30%, यहाँ पे ये क्या होता है, ये आपके टफ कैटेगरी में रहते हैं। लेकिन ये जो 25 से 30% जो टफ कैटेगरी का होता है, यही आपके स्कोर को क्या करता है, नीचे लेके आता है, और इसी कारण से कट ऑफ 70-75 जाता है। वरना अगर आप किसी और परीक्षा में देखोगे जहाँ पे 1400-1500 के पद आते हैं, वहाँ पे कट ऑफ की बात करोगे तो वो कट ऑफ पहुँच जाता है आपका 85-85%, लेकिन फिर भी मैं 70 से 75% की बात कर रहा हूँ। तो कुछ सोच के आपको यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात है कि जो आपका सिलेक्शन करवाता है वो आपका ये नहीं करवाता, ये कठिन वाला क्वेश्चन नहीं करवाता, आपका आसान वाला क्वेश्चन और मॉडरेट वाला। जो बच्चा ये क्वेश्चन सही कर लेता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छा मेंटेन कर लेता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। आप अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो 70 से 75% आप केवल इजी और मॉडरेट पार्ट में कर लोगे। जो क्वेश्चन आपके इस पार्ट से गलत हो जाए वो क्वेश्चन आप इस पार्ट से निकाल लोगे अगर टफ वाले में से, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। बट होता क्या है, पूरी तैयारी के दरमियान आप इधर खोए होते हो, इधर ध्यान नहीं देते हो, और आप यहां भी नहीं पहुंच पाते हो। आपको होता क्या है, 55 क्वेश्चन पेपर में तो बहुत आसानी से आ रहे होते हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरा पेपर हो गया। उसके बाद फिर 5-7 क्वेश्चन आप किसी तरह और करते हो, फिर आपको लगता है कि यार जब 60-70 क्वेश्चन कर ही लिए तो बाकी बचा आप सारे लगातार क्या कर देते हो, तुक्का मारते हो, और वो तुक्का आपको क्या करता है, काफी नीचे ले जाता है। वो गलती नहीं करना है, हालांकि मैं बाद में आपको बात करूंगा। अभी यहां पे हम लोग देखते हैं तो इस पार्ट को हम लोग कैसे पढ़ेंगे और इस पार्ट को कैसे पढ़ेंगे, इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट में, आगे मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि टीम परीक्षा प्लस अब इसके लिए बीपीओ के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके आई है, और क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं ना कि यहां पे आपको वो किताबें, आप इसके अगर कंटेंट ढूंढने लग जाओगे ना तो कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा। आप कितनी गवर्नमेंट वेबसाइट देखोगे, आप कितने मार्केट में किताबें देखोगे, बहुत सारे पब्लिकेशन क्या होते हैं, इस आताक में बैठे होते हैं कि तुरंत ही कोई वैकेंसी आए और हम क्या कर दें, हम आपके लिए किताब निकाल दें। यकीन मानिए, नहीं विश्वास है तो मैं आपके लिए वो करके दिखा दूंगा। आप मार्केट में जाइएगा, जितनी भी किताबें हैं ग्रामीण, ये ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, सारे ग्रामीण जो समाज वाला था, लेखपाल वाला पार्ट, उसी कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके कवर चेंज के आपको परोसा जा रहा है, और आपको लग रहा है कि वीपीओ की नई किताब आई है, और इस चक्कर में आप लोग अपनी तैयारी से बिल्कुल हटे जा रहे हो, और लास्ट में फिर आप गाली दोगे संस्थाओं को, लास्ट में गाली दोगे किताबों को, पब्लिकेशन को, और ये बोलोगे और यूपी ट्रिपल एस सी को गाली दोगे कि पता नहीं कहां से पेपर पूछ लिया, जबकि ये बात आप कभी एनालाइज ही नहीं करोगे कि सिलेबस में वो आपको क्या दिया था, और वो जब बोलता है ना कि किसी की भूमिका पूछना चाह रहा है तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं आपको बताता हूं एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है। आप अगर पहले ही टॉपिक देखोगे तो इसमें क्या लिखा है, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। अब ये केवल पॉलिटी का नहीं है, ये जब भी पूरी पंचायती राज व्यवस्था जब से शुरू से बनी है उसमें कौन कौन से क्या हो गए हैं, कौन कौन से सुधार हुए हैं, उसमें कौन कौन से अगर संविधान की किस आर्टिकल में आता है, अगर वहां से आप रिलेट करो, या फिर इसमें बोल सकते हो संशोधन क्या हुआ है, वो सारी चीजें हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध में, अगर आप, मैं बहुत डिटेल में इसका मैं एक अलग से सेशन बना दूंगा कि इन टॉपिक को कैसे पढ़ें, क्योंकि ये मैं पूरा कंबाइंड आपको सेशन बना रहा हूं, इस कारण से फिर भी मैं केवल आपको हाईलाइट दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों का विकास प्रथम चरण, ये आपको पढ़ना 1947 से लेके 52-53 तक कितने चरण में क्या कैसे चेंजेस आए हैं। उसके बाद देखो पंचायतों विकास का दूसरा चरण 1953-54 से 1959-60 कैसे पहले इलेक्शन होते थे, अब इलेक्शन का रूप क्या हो गया है, अब इलेक्शन किसके अंडर में होता है, पहले इलेक्शन कैसे किस प्रकार से जो गोपनीय रूप से होते थे, या फिर बोल सकते हो कि हाँ एक जो लॉटरी सिस्टम टाइप चलती थी, तो वो जो लगातार संशोधन होते आए हैं, पहले कितने ग्राम पंचायत होते थे, या फिर बोल सकते हो कितने ग्राम सभा होते थे, वो कैसे उनमें सुधार आए हैं। पंचायतों के विकास का तीसरा चरण 1960 से लेकर 61 से 71 से 72 तक, इनका चौथा चरण 72-73 से लेकर 81-82 तक, पंचायतों का पांचवा चरण 83 से 84 92 93, और 94 के बाद से देखा जाए तो ये थोड़ा सा स्टेग्नेंट हुआ है, रुका हुआ है, उसके बाद से लगातार चीजें वैसी चलती आ रही हैं। ये बहुत ज्यादा डायनेमिक आया, तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस प्रकार से आपसे चीजें हुई,
जब ब्रिटिश था, ब्रिटिश काल से कैसे चीजें पढ़ी गई, या फिर अगर हम इतिहास से बोला जाए जैसे वहां पे सभा और समिति बनती थी उनसे कैसे चीजें कॉपी की गई, या जब संविधान बन रहा था उसमें कैसे चीजें डाली गई, वो सारे टॉपिक आपके यहां से पूछे जाएंगे जो बहुत ही डिटेल टॉपिक है। और इसको पढ़ने के लिए कम से कम 10 किताबें जब खंगालोगे तब उससे फैक्ट निकाल पाओगे, तब आप पढ़ पाओगे और तब आप परीक्षा में बैठने लायक होगे। वरना आपको लगेगा आप पॉलिटी पढ़ लियो, आप ग्राम समाज पढ़ लियो और अब आपका तैयारी हो गई, और जब आप परीक्षा में बैठोगे तो यकीन मानो दावे के साथ शायद मेरी बात आपको याद आएगी, अगर आप ऐसा करके जाओगे तो 10 प्रश्न भी आपसे 11वें प्रश्न पे नहीं बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा ही नहीं, आपने केवल भावनात्मक रूप से पढ़ा, आपने एनालिटिकल रूप से उसे नहीं पढ़ा। उसके बाद अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायतों के विकास का जो छठवां चरण है उसके अंतर्गत पंचायतों का संगठन संरचना, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण, पहले क्या होता था महिलाओं के लिए और इन लोग के लिए कोई आरक्षण नहीं होता था, बाद में प्रावधान आए, पंचायतों का निश्चित कार्यकाल क्या होना चाहिए, पंचायतों की कृत शक्तियां, उत्तरदायित्व का विस्तार, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन, क्योंकि जब जब ग्राम पंचायत की बात आती है तब तब उसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग है और राज्य वित्त आयोग है इन दोनों का रोल हमेशा रहा है, और बिना उनके शायद ये जो ग्राम पंचायत बोल सकते हो ये पूरा का पूरा फेल है। और इसी कारण से आपके सिलेबस में रख दिया गया क्या, पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना। समझ में आ गई बात, क्यों सिलेबस आपको ऐसे बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया है कि आपको जब जब आप ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ोगे, आप ग्राम पंचायत अधिकारी बनने जा रहे हो, आप सचिव बनने जा रहे हो, आप एज अ वीडियो वीपीओ बनने जा रहे हो, और जब आप ये बनते हो तो आपको एक प्रधान का कार्य क्या होना चाहिए, एक प्रधान के जो एक गाँव में जैसे ANM सेंटर होते हैं, जैसे फिर बोल सकते हो कि जो स्वच्छता चलती है, या बोल सकते हो जो सामुदायिक केंद्र होते हैं, या बोल सकते हो जो सार्वजनिक शौचालय हो सकते हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, इनमें कैसे कार्य हो रहे हैं, उन सारे की बारे में आपको जानना होगा। क्योंकि एक बात बता दूं कि बिना आपके जो बोलते हैं ना वो पिन ड्राइव आप लगाते हो, आपके बिना फंड पास होता है और ना ही बिना प्रधान के वो पिन ड्राइव लगाने से, दोनों का इंप्रेशन चाहिए होता है, दोनों का ही आपका रिकॉर्ड सिग्नेचर चाहिए होता है, तब जाके कोई फंड निकलता है। तो जितना प्रधान का दायित्व है उससे कहीं ज्यादा आपका दायित्व है उस ग्राम के बारे में जानना। और जब ये आप क्या जान पाओगे, जब आप ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जब आप इसके जो क्या है यहाँ पे वित्तीय स्रोत है इसके बारे में, जब आप निर्वाचन आयोग के बारे में, राज्य निर्वाचन आयोग है, इन सब के बारे में जानोगे, तब आप उसके बारे में एक अच्छी ये जो भूमिका है ये तब आप तैयार कर पाओगे जब इनके बारे में एक डिटेल नॉलेज होगी तब। और यहीं से प्रश्न बनाता है, और बहुत बेहतरीन प्रश्न बनाता है। प्रश्न का नेचर आपका मैचिंग वाला भी होगा, कूट वाला भी होगा, आपके बड़े बड़े स्टेटमेंट भी होंगे, आपके वन लाइनर भी होंगे, और भी जो कूट टाइप के प्रश्न कठिन बन सकते हैं वैसे भी प्रश्न आपके लिए परोसे जा सकते हैं, उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। आप ये देखिए कि 20 जो इस 20 क्वेश्चन है वो केवल क्या है, ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम। और अगर आपको याद हो लेखपाल में जो आपका ग्रामीण समाज वाला पार्ट था उसमें सबसे ज्यादा क्या पूछा था, योजनाएं। तो कौन सी योजनाएं आपको पढ़ना है ये भी तो आपको पता होना चाहिए, कि आप बस यहां पे स्टार्ट ही कर दिए नहीं। अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने बोला कि उनकी भूमिका या जो स्ट्रक्चर है, तो आप जो प्रमुख सचिव होते हैं पंचायती राज उसके अंडर में सब लोग कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी, और सबसे ज्यादा जो ये विकास स्तर या खंड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी और उसके नीचे क्या होते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर जो आप वीपीओ वीडियो होते हो, ये सबसे ज्यादा आपको ये पढ़ना है। और इसके बाद तो आपके नीचे सीधा कौन होते हैं, सफाई कर्मी होते हैं, आपके नीचे कोई और होता नहीं है, इस बात को ध्यान देना। तो बहुत ज्यादा उड़ना भी नहीं है, आपका पद सबसे नीचे है, लेकिन सब यहां से चढ़ते हुए आपको जाना है। आप अपने कार्यकाल में एटलीस्ट वीपीओ से कहां पे एडीओ वगैरह, तो मंडल उप निदेशक में, यहां पे अगर तो अपर जिला पंचायत राज अधिकारी में जिला पंचायत अधिकारी, ये पार्ट में तो यहां से वीपीओ से जाके एडीओ वगैरह तो बन ही सकते हो, इस बात को समझिएगा। लेकिन इन सब के बारे में आपको जानकारी चाहिए चाहिए। ग्राम पंचायतों का वित्तीय सहायता के बारे में, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, पंचायतों का दायित्व, पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व, विकेंद्रीकरण कार्यक्रम क्या था, ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण, पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और यहां से प्रश्न आपको बनेंगे। यही नहीं, अगर आप देखोगे तो जो बहुत सारे अधिनियम है प्रमुख प्रमुख, जैसे आप एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभाज, ग्राम सभा में उनकी मीटिंग और फंक्शन के बारे में, उनके पावर क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, उनके कार्य क्या है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार से होना चाहिए, न्याय पंचायत के बारे में, एक्सटर्नल कंट्रोल क्या है, पेनाल्टीज क्या होते हैं, कुछ रूल्स और बाइलाज जो होते हैं, इन सारे बारे में आपको यहां पे पढ़ना है। उसके बाद जैसे जो इनके क्या होते हैं पंचायत राज अधिनियम जो समेकित है, इनको पढ़ना है आपको, ग्राम पंचायत एक्ट 1947 और क्षेत्र पंचायत। अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम
मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना आपके सिलेबस का, वो ये है ग्राम पंचायत एक्ट 1947 और क्षेत्र पंचायत एक्ट 1961, यहां से मैक्सिमम चीजें छुपी होती हैं। और फिर आपका क्या आता है, जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत एक्ट 1961। तो आपको ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के बारे में भी जानकारी कहीं ना कहीं रखनी है अगर आपको इस सिलेबस में देखा जाए तो। फिर अगर हम लोग किसकी बात करें, हम लोग अगर योजनाओं के, तो निर्मल भारत अभियान हो गया, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान हो गया, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि हो गया, राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, अंतरिक्ष स्थलों का विकास, ये सारी जो योजनाएं हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो सिलेबस है ये इतना आसान नहीं है, और इसी कारण से टीम परीक्षा प्लस इस पर बहुत बेहतरीन कार्य कर रही है। इसीलिए आप देखोगे तो एक एक पार्ट पे अलग अलग नोट्स, अलग अलग किताबें बना रही है, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा संवैधानिक उपबंध, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, कंप्यूटर की अलग, मैं अगर कंप्यूटर की बात करूं, चलो मैं एक बार आपको डेमो ही दिखा देता हूं कि इन सब का किस प्रकार से आप जो किताबें आपके लिए बनाई जा रही हैं, वो किताबें किस प्रकार से बनाई जा रही हैं, दिखाते हैं। जैसे मैंने सबसे पहली बात की कंप्यूटर, अब कंप्यूटर आपका ऐसा नहीं पूछ रहा है जैसे आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे। तो यहां पर अगर आप देखो, ये कंप्यूटर, यहां पर कंप्यूटर को देखते हैं, अब कंप्यूटर जो आपको बनाया जा रहा है वो बिल्कुल, जो नोट्स हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस प्रकार से प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको ऐसा लगे कि कंप्यूटर आपके सामने है, कंप्यूटर खोलने की आवश्यकता ना हो, और बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि वो कहां से हिडन चीजें पूछ रहा है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच, जो वो यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, आयोग की बात करें, इस प्रकार से रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसके एग्जाम कराने वाली संस्था है वो भी कोई छोटी मोटी संस्था नहीं, बहुत बेहतरीन संस्था है जो बहुत सारे पेपर को करवाती है। मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ क्या है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जो पेपर बनाने तरीका है वो बहुत ही एनालिटिकल और बहुत ही डीप और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच का है। इस कारण से आपको कंप्यूटर के बहुत ही प्रैक्टिकल नोट्स बना के दिए जा रहे हैं। साथ में ही अगर आप देखोगे यहां पे, अगर मैं आपको बात कर लूं, जो आपका ये ग्राम पंचायत वाला पार्ट है, इनको हम यहां पे दिखा लेते हैं, ठीक है। ये पंचायती राज व्यवस्था का नोट्स अगर मैं देखा जाए तो विभाग के बारे में, ये एक एक चीज आपका पंचायतों का विकास का दूसरा चरण, ये डिटेल में आपको पूरा पॉइंटर वाइज एक एक चीज आपको बना के दिया जा रहा है। और यकीन मानिए, इस बात को ना विश्वास है तो आप जाइए, आप यहां के भी कंटेंट देख लीजिए, और आप किसी बुक स्टोर पर जाइए और कंटेंट मिला लीजिए, आपको ना पुराना वही कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट मिलेगा, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हालांकि आप दूध पीते बच्चे नहीं हो, और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आपके लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उसने अप्रोच किया है, कि उसी प्रकार से हम लोग पूरा इसमें नोट्स बना रहे हैं, पूरा मैपिंग के फॉर्म में, बहुत बेहतरीन जो फैक्ट हो सकते हैं, हर एक चीज एकदम मैप के फॉर्म में, एक एक फैक्ट का कलेक्शन, एक एक बहुत बेहतरीन, जहां पे मैप की जरूरत है मैप, जहां पे टेबल की जरूरत है टेबल, जहां पे वन लाइनर की जरूरत है वन लाइनर, और जहां पे आपको थ्योरी की जरूरत है वहां पे आपको थ्योरी पार्ट भी बहुत बेहतरीन तरीके से दिया जा रहा है। और चाहे उसकी भौगोलिक दृष्टि हो, चाहे आर्थिक दृष्टि हो, चाहे उसका ऐतिहासिक दृष्टि हो, चाहे फैक्ट हो, चाहे फिर कला और संस्कृति हो, हर पार्ट यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से दिया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप एक बार डेमो देख लोगे, ये डेमो आपको परीक्षा प्लस ऐप पे जब आप जाओगे वहां पे ही मिल जाएगा। तो ये किताबें आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। तो रहती ना, सबसे आप क्वेश्चन पूछते हो सर हम तैयारी करें तो किताबें कौन सी पढ़े, एक एक करके मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको करना क्या है ना, कि सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है सर किताबें कहां से पढ़े, तो भाई अगर इसकी किताबें पढ़ रहा हूं तो मैं इतना तो बोलूंगा कि जो ग्राम पंचायत वाला पार्ट है, जो वीपीओ का जो ग्राम पंचायत वाला पार्ट है, उसके लिए अभी तक मार्केट में कोई बेहतरीन किताब नहीं आई है। हाँ, ये बात अलग है कि घटना चक्र वगैरह लास्ट तक कुछ ना कुछ आपके लिए एक अच्छा कंटेंट दे दे, तो वहां से थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो, लेकिन मैं आपको अभी तो सजेस्ट करूंगा कि आप परीक्षा प्लस के जो नोट्स बन रहे हैं आप केवल इनको फॉलो करो, ये बहुत बेहतरीन और बहुत फायदेमंद आपके लिए होने वाले हैं। और अगर आप कंप्यूटर की बात करो तो कंप्यूटर में भी बोल दूंगा कि जिस हिसाब से ट्रेंड बन रहा है शायद परीक्षा प्लस से बेहतर कोई नहीं है। हालांकि आप लूसेंट अगर पढ़ते हो तो एक बार पढ़ लो, बट इतना मैं आपको बता दूंगा कि लूसेंट से अब सारी चीजें नहीं कवर हो पाएंगी, 70-80% तो कवर कर लोगे। अगर आपका टारगेट है कि नहीं हम 70-80% कंप्यूटर में कवर कर लें, यूपी में हम 80% कवर कर लें, 90% बाकी हम इस वाले पार्ट में अच्छा कर लें, तो बात अलग है, आप लूसेंट से पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने आपको बोला कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है कंप्यूटर, अगर अप्रोच आपका अच्छा है, यूपी आपका क्या है स्कोरिंग है, भूमिका आपका स्कोरिंग है, इवन योजनाएं भी अगर आप पढ़ लेते हो तो भी आपका स्कोर अच्छा बन जाएगा, और केवल चार टॉपिक के दम पे आप सिलेक्शन ले सकते हो, योजनाएं, कंप्यूटर, यूपी, और किसकी बात किया जाए जो ग्राम पंचायत अधिकारी की भूमिका है, इनके बारे में अगर आप पढ़ लेते हो तो ये चार पॉइंट में ही आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक आ जाओगे, इस बात को समझिएगा। तो बुक्स तो आपको परीक्षा प्लस वाले ही लेने हैं कैसे भी, और सबसे बड़ी बात है आपके लिए, इसीलिए यही कारण है टीम परीक्षा प्लस हमेशा आपके हित में सोचती है, ना कि आपका कोई
अगर बिजनेस ही करना होता तो शायद हम बहुत बड़े बिजनेस कर लेते, लेकिन एक चीज समझिएगा कि यहाँ पे हमने दोनों तरीके से आपको कोर्स अवेलेबल करा दिया है। एक वो कोर्स जो वीडियो क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड नोट्स सेक्शनल टेस्ट सारे चीज चाहते हैं, एक ऐसे बच्चे जो केवल क्या टेस्ट सीरीज और नोट्स चाहते हैं। हालांकि हम कभी भी टेस्ट सीरीज में नोट्स नहीं रखते हैं, लेकिन आपके इस एग्जाम में क्योंकि मुझे पता है समय आपको कम मिलेगा, आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट भी दिया जा रहा है, टेस्ट की व्याख्यात्मक हल्की पीडीएफ भी दी जा रही है, विषयवार पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है, और ये वही नोट्स हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। आप चाहो तो ये 354 दिख रहा है, ये जीएसटी के बाद है, हालांकि 299 प्लस जीएसटी है, और ऐसे अगर यहां पे देखोगे तो 499 में, केवल 499 में आपको क्लासेस और नोट्स मिल जाएंगे, और केवल आपको 299 में बात किया जाए तो यहां पे 299 में आपको कितना मिल जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज और नोट्स मिल जाएंगे। आपको जिससे भी जुड़ना है आप उससे जुड़ सकते हो, ये भी स्वैच्छिक है। मैं ऐसा नहीं है कि आपको इस सेशन में केवल इसलिए बुलाऊं कि आप कोर्स खरीद लो, देखो भाई बहुत क्लियर सी बात है, स्वैच्छिक है, आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि नहीं यहां पे ले ही लोगे, और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि यही पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद कहीं से ना पढ़े, खुद से तैयारी करें फिर भी सिलेक्शन लेते हैं, संस्थाएं सिलेक्शन नहीं करवाती। हाँ, संस्थाओं का काम क्या है कि आपको एक बेहतर रिसोर्स कंटेंट अवेलेबल कराना, आपको सही मार्गदर्शन देना, आपको सही सही बताना कि क्या आपके लिए उचित है क्या अनुचित है, क्या हाँ कौन सा पाथ आपको फॉलो करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ पे आपसे गलती हो सकती है, क्या आपका टेस्ट से क्या जाँच क्या कैसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये हमारा काम है, ये संस्थाओं का काम है। संस्थाएं आपकी मेहनत नहीं करेंगी, संस्थाएं पेपर एग्जाम में बैठेंगी वो पेपर देने जाएंगी, वो सारा काम आपका है, पढ़ना आपका काम है, पेपर आप दोगे, सिलेक्शन आप लोगे, संस्थाएं केवल आपका एक मदद करती हैं, एक आपको बोल सकते हो कि मार्गदर्शक का कार्य करती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती हैं। तो आप कोई ये बोले कि नहीं अगर हम परीक्षा प्लस का नोट्स नहीं लेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा तो भी गलत है, और कोई ये बोले कि हम परीक्षा प्लस का सारा नोट्स खरीद लें अब हमारा सिलेक्शन कन्फर्म है तो भी गलत है। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा, बहुत क्लियर शब्दों में इस बात को बोलता हूँ, और यही कारण है कि परीक्षा प्लस हमेशा अपनी गुणवत्ता और अपनी सच्चाई के लिए जाना जाता है। तो ये स्वैच्छिक है, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है, बस मेरा काम है कि आपको बताना कि बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। अगर आप सारी चीजें जुड़ना चाहते हो कि आप आप क्लासेस भी चाहते हो, आप नोट्स भी चाहते हो और सेक्शनल टेस्ट चाहते हो तो आपका 499 प्लस जीएसटी जो 588 बैठेगा जीएसटी लगा के, और अगर आप केवल टेस्ट और नोट्स चाहते हो तो आपका केवल 299 प्लस जीएसटी, और मेरे ख्याल से इतने न्यूनतम फीस में कोई संस्था नहीं है जो आपको इतना बेहतरीन कंटेंट इतना रिसर्च करके देने वाली। हाँ, एक बात की मैं गारंटी जरूर लेता हूं कि अगर आप हमसे जुड़ते हो तो मैं इस बात का एश्योर कराता हूं कि मोर देन 80% कंटेंट, 100% तो मैं भी नहीं बोलूंगा क्योंकि वो अतिशयोक्ति हो जाएगी, और जिस प्रकार से ट्रेंड एनालिसिस चल रहा है हर बार नए क्वेश्चन का, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि 100 के 100 क्वेश्चन में फंसा दूंगा और कोई नहीं फंसा पाएगा। मैं हम टीम परीक्षा प्लस इस चीज में विश्वास रखती है कि आपको 100 से 200 पेज का नोट्स दिया जाए उसमें 80% फंसा जाए, ना कि 2000 से 4000 पेज का नोट्स दिया जाए और उसमें 90% फंसाया जाए। आपका 80% में भी चयन हो जाएगा 100-200 पेज पढ़ने में, या आप 2000 पढ़ के 90% ला रहे हो, तो फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेटर है। मैं आपको इतना है ऑप्टिमाइज तरीके से, वो आपका पार्ट है कि आप इतना पढ़ने के बाद जितना एक्स्ट्रा मेहनत कर लो वो खुद मेहनत कर सकते हो और आप वहां से स्कोर अर्जित कर सकते हो, लेकिन मोर देन 80% कंटेंट, और अगर ईश्वर साथ रहे तो हो सकता है 90-95% भी हम डायरेक्ट आपका इन कंटेंट से फंसा देंगे कि आपका वो जो प्रश्न पूछेगा वो आपके इस किताब से, अगर क्लास आप कर लेते हो ये किताबें पढ़ लेते हो और अगर आप टेस्ट दे लेते हो तो ये गारंटी है कि अगर आप पेपर सही सही मनोदशा में देते हो तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी सब कुछ आपके सामने है, मैंने आपको डेमो भी दिखा दिया, मैंने आपको सारी चीज दिखा दिया। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको बस गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करना है, अगर आप ऐप डाउनलोड किए हो तो आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, और अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है तो आप live.parikshaplus.org वेबसाइट पे जाके आप इसे परचेज कर सकते हो। कोर्सेज में जाओगे, UPSSC में जाओगे तो यहाँ पे वीपीओ का कोर्स आपको दोनों मिलेगा, एक नोट्स प्रश्न सीरीज है और एक वीपीओ का वीडियो और नोट्स का कंटेंट है, तो इसमें ये आपका 588 पड़ेगा या आपको 354 पड़ेगा। अगर आप क्लासेस टेस्ट सीरीज सब चाहते हो तो जाके आपको दोनों लेना है, लेकिन मैं बोलूंगा पहले अगर आप चाहते हो तो आप पहले कोर्सेज से ही जुड़ो, ये तो बात की बात है, यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगे, टेस्ट तो आप बाद में भी दे लोगे, उसमें कोई वो नहीं है, पहले टेस्ट लेने का मतलब नहीं है, फिर भी वो स्वैच्छिक है, जैसा आप चाहो वैसा आप परचेज कर सकते हो, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके ये परीक्षा प्लस ऐप से कर सकते हो।
लेकिन इतना मैं फिर से आपको एश्योर कराऊंगा कि हाँ, अगर आप परीक्षा प्लस ऐप से जुड़ते हो तो आपको जितना टीम हो सकता है दिन रात आपके लिए मेहनत कर सकती है, वो मेहनत करेगी, जो बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट हो सकता है वो अवेलेबल कराएगी। बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न पूछना होता है कि सर हमें इतना ही पढ़ना है, इसके अतिरिक्त तो कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए मैं आपसे बोलूंगा कि भैया आपको अलग से पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जो भी अलग से आपको जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको खुद दे दूंगा कि हाँ ये चीज़ पढ़ लो, वो भले ही किसी दूसरे संस्था की हो, भले ही दूसरे पब्लिकेशन की, मैं आपको बोल दूंगा ये पढ़ लो, ये हमने नहीं पढ़ाया है, इस किताब में बढ़िया दिया है, आप पढ़ लो, वो डाउनलोड करके वो PDF बना के वो हम आपको दे देंगे, उसमें कोई ऐसा नहीं है, जो भी आपके हित में हम जो कर सकते हैं वो हम रिसर्च कर लेंगे। लेकिन आप परीक्षा प्लस का ये देख सकते हो, इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई समस्या है तो आप जो नीचे नंबर चल रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हो, या फिर आप बॉक्स में हमसे अपनी परेशानी को रख सकते हो, ठीक है, ये नंबर है, इन पे आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो अगर कोर्स से जुड़ना है, या हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भलीभांति दिया हुआ है। तो उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ज्यादा फायदा मिला भी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग कोर्स में, उम्मीद करते हैं मैक्सिमम लोग कोर्स से जुड़ेंगे और बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे भी। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।